हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अमीरन विद मोम। तो आज अमीरा को मॉर्निंग से बोल रही थी कि उसको पिज्ज़ा खाना है, तो मैं ये नीचे से बेकरी से लेके आई थी। हमारे यहाँ 8 रुपये की एक मिलती है, और आपके यहाँ कितने की मिलती है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं हमेशा रेडीमेड ही लाती हूँ, बहुत कम, एक या दो बार ऐसा रहा होगा कि मैंने घर पर बनाई होंगी। तो मैं इन सब की कटिंग कर लेती हूँ। इतना इजी पिज़्ज़ा है घर में, फटाफट 10 मिनट में बनने वाला, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ कटिंग करके। ओके, मैंने यहाँ पर गैस चालू करके तीनों को मिक्स करके रख दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाऊंगी और उसको सिर्फ सोटे करूँगी, हल्का सा हल्का सा। हम इसको सोटे करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। वैसे ये ऑप्शनल है, आप कच्चा भी रख सकते हैं, मगर मेरे बच्चे ये वैसे तो खाते नहीं है, थोड़ा खाते तो बोलते मम्मा थोड़ा सोटे करके, अमीरा बोलती है फिर आप उसमें रखा करो। तो मैं थोड़ा इसको सोटे कर लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बस, बस इसमें कच्चा कर देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिला दूंगी। ब्लैक पेपर मैंने इसमें मिला दिया है, थोड़ा सा पाउडर, हल्का सा। मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा, ताकि इसमें थोड़ा नमक का भी टेस्ट आ जाए और खाने में अच्छी लगे। ओके, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ये बस इतना सोटे करती हूँ मैं, हो चुका है। हाँ, हम अब पिज्ज़ा ब्रेड पे पिज्ज़ा सॉस रखेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो आप उससे भी बना सकते हैं। थोड़ा मायो, स्वाद अनुसार अपने को जितना ज़्यादा लेना है कम लेना है आप अपने हिसाब से मायो सॉस वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा सा केचप, ये भी स्वाद के अनुसार ही हमें लेना है। अब इन तीनों को मिक्स करके हम फैला लेते हैं। मैं तीनों को ऐसे ब्रेड पे फैला लूंगी, बहुत झटपट बन जाता है ये। अगर हमारे पास सब्जियां कटी हुई रहे तो तुरंत हम बस ये फैला के इस पे सब्जियां रख के और चीज रख के बना सकते हैं, तो जल्दी बनने वाला है, टेस्ट भी इतना लगता है, आप जरूर ट्राई करें। वेरी इजी, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। अमीरा का जब मन करता है अमीरा बनवा लेती है, उसको खाना रहता है। तो अभी स्कूल से आई है, बोल रही मम्मा खा के जाना है। अब 10 मिनट बस मैं इसको तवे पे रखूँगी, विदाउट ओवन का है ये, ओवन नहीं है हमारे पास, मैं तवे पे ही बनाती हूँ। ठीक है, अब इस पे जो मेरी सब्जियाँ थी हाथ से डाल देती हूँ, इसको मैं फैला लूँगी। मैंने सारी वेजिटेबल भी उस पर फैला दी है। चीज़ भी हो गया, तो मैंने इस पे चीज़ भी डाल दिए। और इधर मैंने, ये मेरा पैन पतला है तो मैंने डबल पैन करके इसको रखा है, और अब मैं इसको ऐसे रख दूंगी और 10 मिनट इसको बंद करके रख दूंगी, फिर 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। हमारा ये बन रहा है इधर, इतने हम एक दूसरे को भी रेडी कर लेते हैं जैसे पहले को किया था। मैं इसमें चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो मिलाना भूल गई थी, वह मैं ऊपर से डाल दूंगी। ये हो गया हमारा दूसरा भी रेडी, और ये भी रेडी हो ही चुका है ऑलमोस्ट। चीज़ थोड़ी कम थी ना मेरा, तो हमने डाल दी, जैसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपने ऊपर है, ऑप्शनल है, जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है, मेरा खा के ट्यूशन जाएगी। तो बच्चे पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। मेरा कैसा बना? क्या बियर जुरेन, पिज्जा कैसा है? हाउ इज इट?
बहुत टेस्टी। आपने वेजिटेबल खाओ ना, वेजिटेबल क्यों निकाले? देखो बिना वेजिटेबल का पिज्ज़ा खाता है, क्या खाता है मेरे तो समझ में नहीं आता है। ये गुड गर्ल है, वेजिटेबल खा लेती है। तो फ्रेंड मिलते हैं बाद में, हो चुकी इनकी पिज्ज़ा खाने की, खा चुकी है पिज्ज़ा। तो बाद में मिलते हैं, आयशा का बर्थडे भी आने वाला है ना, आयशा के बर्थडे का। अब आयशा के बर्थडे पे जाएंगे, उसका बर्थडे गिफ्ट आने जो मिलते हैं बाद में। पकड़ो जुरैन स्पैरो को, पकड़ो स्पैरो, पकड़नी है। देखो उधर गई, उधर गई, पकड़ो 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 पकड़ो, कहाँ है? देखो वो रही, एक और वो रही, वो रही, वो रही, वो रही, देखो सामने, देखो उसको पकड़ो। ऊपर गई उड़ के, गई आपने ट्राई किया, ट्राई करना है। और ऊपर गई पेड़ पे, ऊपर है, हाँ ऊपर है। चलो चलो मम्मा के साथ केट है वहाँ पे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पंजे लगेगा। है ना केट? चलो अभी जुरैन को स्पैरो चाहिए ना, जुरैन नीचे फ्रूट ही लेने आया था। अमीरा ट्यूशन गई, हम लोग नीचे आए थे, जुरैन को फ्रूट ही चाहिए थी, है ना जुरैन?